ट्रक ब्रेक डाउन, ट्रक ब्रेक डाउन। ओए 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 ओए, देख के भैया ट्रक के अंदर घुसाएगा क्या? अरे तो करूर क्रॉस किया, डिंडीगुल क्रॉस किए या दोनों क्रॉस कर गए? आगे कि पीछे की बगल में कि दाएं बाएं, कहाँ है भाई तू? अरे तेरी यहाँ है इसकी तो। ऐसा करते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, वहाँ होगा अगर लगेगा वैसा तो फिर रेनकोट पहन लेंगे, नहीं तो फिर निकल जाते हैं। वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स दिस स्टॉर्म। फंस गए यार, सही में घुस गए हम तूफान के अंदर। बजरंगबली गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज कुणाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गेट आउट एंड रूम। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भैया ये हमारी राइड हो गई है स्टार्ट, काफ़ी दिनों बाद फाइनली वी मेड अ प्लान एंड वी आर ऑन द वे टू वर्काला। यस गाइज, वी आर गोइंग टू केरला विच इज़ अराउंड 700 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। टाइम हो गया है 4:30, 4 बजे निकलने का प्लान था लेकिन हम निकल रहे 4:30 बजे, तो चलो आधा घंटा का लेट है लेकिन फिर भी मेकअप कर लेंगे। ओके, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक सिटी से हम बाहर निकल रहे हैं और हम पकड़ेंगे होसूर हाईवे। फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू कृष्णगिरी और वहां से फिर हम निकल जाएंगे वर्काला के लिए। आई विल गिव यू अपडेट। हर जर्नी की पूरी जानकारी के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो एंड तक देखना। देखो वो क्या स्पीड में भागे जा रहे हैं यार ये लोग, एक है हिमालयन दूसरा पता नहीं क्या है। अपने को जाने दे भाई, तुम दोनों बाद में बात कर लेना, इनके साथ हम भी हो लेते हैं भाई। तो और 3 किलोमीटर बाद हम कंप्लीट कर लेंगे 100। टाइम हो जाएगा 5:50, तो ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, सूरज अब तक निकला नहीं है। खैर हमारा प्लान यही है कि जब तक सूरज ना निकल जाए हम बाइक को रोकेंगे नहीं। पूरी तरह फॉग से भरा हुआ है, विजिबिलिटी है लेकिन मस्त लग रहा है यार। फॉग के साथ ये धुआं डेडली कॉम्बिनेशन, इनको नहीं पकड़ते पुलिस वाले। एग्जैक्ट देखो 200 किलोमीटर में स्टॉप किए भाई, कंटिन्यूसली 200 किलोमीटर से चला रहे। कितना टाइम हो गया? 7:40 हम लोग निकले कब थे? 4:30 निकले थे ना, 4:30 to 7, 3 घंटा रिकॉर्ड तोड़ दिया हम। कभी और किसी भी ट्रिप में हम लोग इतना देर तक बाइक नहीं चलाएं। चलो फिर चाय वाय लेते हैं, कुछ खाओगी क्या? कुछ खा लेते, फ्रेश रहेगा भाई, सुबह सुबह का टाइम है, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे मस्त। क्या भगाया हूँ यार, 3 घंटा बाइक चला है नॉन स्टॉप, ये क्या आ गया? मक्खन के जैसा चला है बाइक। GoPro on। तो गाइस अच्छा सा ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जो है वर्काला। 200 किलोमीटर इज़ डन, 8:30 हो गया भैया। तो भैया बैंगलोर से अब तक सो फार वी हैव कवर्ड कृष्णगिरी एंड सेलम। तो अगर कोई भी ना बैंगलोर से अगर वर्काला आ रहा है, खासकर केरला के साइड, वर्काला के साइड इनफैक्ट, तो आप कृष्णगिरी वाला रोड लेके आना। कृष्णगिरी, सेलम, डिंडीगुल, मदुरई, कन्याकुमारी और फिर वर्काला। एंड इनफैक्ट कन्याकुमारी के लिए भी रोड सेम है, मेरे लास्ट वीडियो में हमने कन्याकुमारी भी कवर किया है, तो सेम रोड है। लेकिन ये जहाँ हम जा रहे हैं ना वर्काला, उसमें होगा क्या कि कन्याकुमारी हम एंटर नहीं करेंगे, कन्याकुमारी के बाहर ही बाहर हम फिर टर्न लेंगे लेफ्ट और नागरा कोयल की तरफ बढ़ जाएंगे। नागरा कोयल के बाद आ जाएगा वर्काला। सो फार 500 किलोमीटर इज मोर टू गो। अब देखते हैं क्योंकि अब ट्रैफिक होना स्टार्ट हो गया है भाई कसम से। खैर यहाँ से कन्याकुमारी तक हमें टोल रोड्स मिलेंगे, मतलब 4 लेन 4 या 6 लेन, लेकिन फिर जब हम नागरा कोयल की तरफ बढ़ेंगे ना तब सिंगल लेन है, सारा टाइम वहाँ चला जाएगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी बारिश हुई है तगड़ी यहाँ पर। वी वर लकी कि बारिश हमारे आने से पहले हुई है, लेकिन भाई बादल तो किया हुआ है बिल्कुल। आज का फोरकास्ट था वैसे कि इस एरिया में, खासकर सेलम के बाद और डिंडुगुल के बीच में, थंडरस्टॉर्म और कहीं कहीं शावर होंगे, लेकिन क्लाउड जिस तरीके से किया हुआ है भाई, ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, हम बस निकल जाएं इस एरिया से। ट्रक ब्रेकडाउन बारिश के टाइम, तूफान आने वाली है गाइस। सामने का देखो आप, बादल देखो वहाँ इस साइड। पिछले 60 किलोमीटर से हम चला रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जैसा दिख रहा है कि हमारे आने से पहले बारिश हुई है, तगड़ी वाली हुई है, लेकिन सामने बादल, सारा बादल सामने चला गया है। हम पूरा फंसने वाले बारिश में। थैंक गॉड अब बादल ना साफ दिखाई दे रही है, देखो वहाँ साफ है, यहाँ बारिश कम हुई है। बस ऐसे ही रहे भैया, आराम से पहुँच जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। 270 किलोमीटर डन, सुबह के बज रहे हैं 9:15 AM। यस, दे आर दी वन। टी ब्रेक में मॉर्निंग को अराउंड 6 AM आई मेट वन ऑफ देम, एक आगे और एक मेरे पीछे है, जैसा आप मेरे मिरर में देख सकते हो। एंड दिस गाइज, नो दे आर डिफरेंट, नो होल्ड ऑन, नहीं ये डिफरेंट बाइकर है, वो वाले दूसरे थे, ये कोई दूसरा है, कोई बात नहीं, है तो अपने भाई। ओए 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 ओए, देख के भैया ट्रक के अंदर घुसाएगा क्या? तो नेक्स्ट आएगा डिंडीगुल, उसके बाद आएगा मदुरई। अरे यार डिंडीगुल तो क्रॉस कर चुके हैं शायद, सो डिंडीगुल क्रॉस करने के बाद करूर आएगा एंड देन मदुरई। अरे तो करूर क्रॉस किया, डिंडीगुल क्रॉस किए, या दोनों क्रॉस कर गए? ओके, सो तो करूर क्रॉस करके डिंडीगुल आएगा, उसके बाद मदुरई आएगा, तो करूर हो गया है, डिंडीगुल हम जा रहे हैं, उसके बाद मदुरई आएगा। बाकी जो ऊपर नीचे होना तो भूल चुक, माफ। और ये इसको तो मैं ओवरटेक करने दूंगा नहीं बेटा, तू नहीं जाएगा, रुक साला, मेरा बाइक कम नहीं है, रुक। कहाँ गया, दिखाई नहीं दे रहा है, आगे है कि पीछे है कि बगल में है कि दाएं बाएं, कहाँ है भाई तू? अरे तेरी यहाँ है इसकी तो, रुक रुक रुक, अबे रुक रुक, चल कोई बात नहीं, जा, माफ किया तेरे को। ओके भैया, हम रोकेंगे यहाँ, इस नज़ारे को एंजॉय करेंगे, सॉरी इस नज़ारे को एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमें लेना है वाटर ब्रेक एंड वी आर रियली थर्स्टी। तो क्यों पागल जैसा आवाज़ निकाल रही है? एंड वी आर थर्स्टी, आई नीड टू फाइंड अ गुड प्लेस। जा भाई दूर ट्रक, तू निकल या रुक जा, मुझे जाने दे। सो दिस इज़ कॉल्ड द न्यू स्टाइल, सब कुछ सही है, तो भाई तेरा जूता कहाँ है? एकदम सही स्टाइल है, सेफ्टी विद कंफर्ट। अरे दोनों जूता पहना, दोनों नहीं पहना है, क्या बात है। तो भाई लोग पेट्रोल भी भरवाने का टाइम आ गया है, ऐसा आप देख सकते हो, जैसा आप देख सकते हो एक ही पॉइंट बची हुई है, नो पेट्रोल पंप इज देयर इन जस्ट 3 किलोमीटर्स। लेकिन जो यहाँ बारिश हुई ना, ऐसा लग रहा तूफान आया है। गाइस बहुत बुरा हाल होने वाला है यार, सामने का बादल देखो, मतलब बिल्कुल काली है, और गॉड नोस हमें लगता है कि इधर जब पेट्रोल डलवाएंगे तो रेनकोट ही पहन लेना होगा साथ में। चलो पेट्रोल डालते हैं, ऑटो कट फुल टैंक। हो गया फुल टैंक। ऐसा करते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, टी ब्रेक के लिए, पानी भी पीना ही है।
और वहाँ होगा अगर लगेगा वैसा तो फिर रेनकोट पहन लेंगे, नहीं तो फिर निकल जाते हैं। हाँ चलो, कह नहीं सकते, अगर बहुत ज़ोर से हो गया तो फिर, लेकिन देखते हैं, एक ब्रेक लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं। भाई जिसका डर था वही हुआ, हमें वहाँ पर पेट्रोल पंप में ही रेनकोट पहन लेना था यार। फंस गए, यहाँ कहीं रुकने का जगह भी नहीं है। ओह शिट, मैडम तुम तो पूरी तरह भीग जाओगी, इसलिए अपनी अकल ना भिड़ाओ, कभी मन की भी सुना करो। मैं यहाँ रुक गया, यहाँ कम हो गया, लेकिन हो रहा है। ओ तेरी, ये धूप कहाँ से आ गया? देख सामने धूप है, पीछे बारिश है, बीच में हम है। वाह वाह क्या बात है। पूछ ले चाय वाय मिलेगा, होगा टीर इंकरिंगला, सिखाओ यार अपने को भी। हे भगवान, आई नो कनाडा ऑल्सो, मैडम आई नो कनाडा, ओके आई नो सोल्पा सोल्पा तमिल एंड आई नो सोल्पा सोल्पा कनाडा कुंजुम कुंजुम तमिल। हाँ कुंजुम कुंजुम तमिल सोल्पा सोल्पा कनाडा, कर्नाटका। हाँ चलो भाई, वाटर ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक लेते हैं, जो ब्रेक लेना है लेना है। बादल तो अभी साफ है, लेकिन हर 50-50 किलोमीटर में बारिश हो रहा है, धूप आ रहा है, बारिश हो रहा है, धूप आ रहा है। ऑल राइट गाइस, वाटर ब्रेक हो गया, अब हम यहाँ से निकलते हैं। मैडम और कितना किलोमीटर रह गया है? 335 टू वर्काला, और अरे वर्काला जा रहे हैं ना कि त्रिवेंद्रम जा रहे हैं? अरे श्योर, मैं तब से वर्कला वर्कला कर रहा हूँ, तो अभी हम त्रिवेंद्रम जा रहे हैं। ओ भैया वर्कला कब जा रहे हैं? कल। अच्छा कल जा रहे हैं। डिस्टेंस कितना है वर्कला और त्रिवेंद्रम में? 40 किलोमीटर्स। ओके ऑलराइट गाइस, सो रियली सॉरी, वन बिग करेक्शन, हम वर्कला भी नहीं जा रहे, हम जा रहे त्रिवेंद्रम और वहाँ से हम जाएंगे वर्कला। वर्कला त्रिवेंद्रम से वर्कला इज ओनली 40 किलोमीटर्स। त्रिवेंद्रम कोवलम बीच, राइट? तो त्रिवेंद्रम कोवलम बीच, कोवलम बीच, ठीक है कोई बात नहीं, है तो सब आसपास ही। गलत इन्फॉर्मेशन तो किसी को दिया नहीं, यही रोड होगा ना वर्कला के लिए भी। हाँ चलो सही है, पता नहीं बैटरी बहुत ज़्यादा खा रहा है एप्पल का, मेरा तो अभी भी 90% है। चलो क्या हुआ, गिरा ही क्या, कुछ गिरा? त्रिवेंद्रम के लिए और 350 किलोमीटर बचे हुए हैं, टाइम हो गया है 11 AM और हम लेंगे 5 घंटा। व्यू देखो यार, कसम से व्हाट अ लवली व्यू, बादलों से ढका हुआ है, उस साइड बारिश हो रहा होगा तगड़ा। चलो इसी व्यू के साथ अब हम निकलते हैं त्रिवेंद्रम के लिए। तो भाई ये रोड जाएगी मदुरई के लिए और ये जाएगी कन्याकुमारी के लिए। लैंडस्केप देखो आप यहाँ से, ओ साइड हो जा। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव कम्प्लीटेड 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और बचे हुए हैं और सामने का नज़ारा देखो भैया, ऐसा लग रहा है कि तूफान आया हुआ है वहाँ पर, पूरी बादल नीचे तक गिरी हुई है, सामने बिल्कुल काला है। अब तक तो हम कैसे भी बचते बचाते बारिश से निकल रहे हैं, पता नहीं इस जर्नी में हम बच पाएंगे कि नहीं। अगर रोड ऐसे नहीं गया ना तब ठीक है, देखने से ही डर लग रहा है। हमें बस वहाँ ना ले जाए, हमें यहाँ ले जाए। यहाँ देखो बादल साफ है, ऐसा लग रहा है ना कि हम किसी गुफा के मुंह के अंदर जा रहे हैं, सामने बिल्कुल काला है। वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स द स्टॉर्म, देख धूप गायब, अंधेरा हो गया सडनली, फंस गए यार सही में।
घुस गए हम तूफान के अंदर। यहाँ रोकते हैं और रेनकोट पहन ही लेते हैं, बिकॉज अब ना अपनी किस्मत को नहीं टेस्ट करना है हमें। हाँ क्यों नहीं, क्या करेगा, हो रहा है। यहाँ रेनकोट चेंज कर लो, यहाँ उतर के ना रेनकोट पहन लेते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से बादल किया हुआ है ना, बहुत देर तक बारिश होगा, तो पहन ही लेते फिर आराम से चलते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो कहीं रुक जाएंगे। ऑल राइट गाइस, हाँ निकालते आराम से, बारिश तो रुक गई है लेकिन फिर भी हम रेनकोट पहन लिए हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। बहुत ज़ोर की हो गई बारिश, लेकिन बादल देखो अभी भी पूरा किया हुआ है। हमारा टाइम तो यहीं चला जाएगा यही करने में। चलो निकले, ओके लेट्स रोल। चले, पेट्रोलिंग व्हीकल है वो, तो पार्क करके रखा होगा इधर, चलते हैं ना, निकले। ओके हाँ, यहाँ थोड़ा स्किड करेगा, देख कोई गाड़ी आ रहा है क्या। अबे कहाँ गया बादल, थोड़ी देर पहले तो था सब यहाँ पर। ओ इधर है, वहाँ से यहाँ स्विच हो गया। राइट साइड बादल पहले से ही सही था, हम राइट साइड आ गए। चलो अब यहाँ बादल क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर तूफान है भाई। एक बार रुको रेनकोट पहनने के लिए, एक बार रुको रेनकोट खोलने के लिए। ऑल राइट, सो आई एम नॉट श्योर क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे आप देख सकते हो कैमरा में गैस लीक हो रहा है, पता नहीं ये सही है गलत है, डेंजरस है नहीं है, पता नहीं। What a beautiful landscape! What a lovely landscape! अगर आप कन्याकुमारी आ रहे हो ना और इस राउट पर आपको ऐसे लैंडस्केप मिलेंगे बहुत प्यारे। स्ट्रेट चले जाओगे तो कन्याकुमारी, क्योंकि उसके बाहर उस पहाड़ के पीछे समुंदर है, और ये स्ट्रेट आपको कन्याकुमारी ले जाएगा। लेकिन हमें लेना है राइट, सॉरी हमें लेना है लेफ्ट, और उसके बाद निकल जाना है नागरकोइल। Alright guys, so we have taken a U-turn, वो straight कन्याकुमारी, and this U-turn you have to take a service road, और फिर यहाँ से हमें वो जाना है इस road पर, तो ये हमें ले जाएगा त्रिवेंद्रम। केरला एंटर करते ही रोड ख़राब, ऐसा कैसे, तेरी तो दया। नागरकोइल कितना था, 32 किलोमीटर नागरकोइल है भाई, नागरकोइल के बाद आ जाएगा त्रिवेंद्रम, तो हाउ वी आर वेरी क्लोज टू आर डेस्टिनेशन। बाइक को तो इस बार खोल दिया हूँ कसम से, मतलब जस्ट इमेजिन 700 किलोमीटर हमने आई थिंक 10 घंटे में कवर किया भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड। व्यू देखो यहाँ से, मज़ा ना आए ना तो पता नहीं, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना भैया चैनल को। नागरकोइल इज 4 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। हाँ यहाँ से ये एक्चुअली सिंगल लेन स्टार्ट हो जाता है ना, अब हमारा टोल रोड 4 लेन 6 लेन सब ख़त्म, यहाँ से सिंगल लेन एंड हेवी ट्रैफिक, ये केरला स्टार्ट हो गया ना यहाँ से। फिर ये कितना 40 किलोमीटर्स होगा, 60 किलोमीटर, माई गॉड 60 किलोमीटर ड्राइव करना भैया रिजॉर्ट तक, साला जितना टाइम बचाया मैं 60 किलोमीटर 2 घंटा, हे भगवान, जितना हाईवे में मैं 120 में उड़ा के लाया, माइलेज की वॉट लगा दी, बाइक खोल दिया बिल्कुल, यहाँ आके सारा कुछ मेकअप हो गया। तो भाई बोलते हैं ना, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगनर, जीता जाता एग्जांपल यहाँ पर है, वो देखो ग्रीन भी हो रहा है रेड भी हो रहा है, डांस कर रहा है सिग्नल। अब इसे पब्लिक क्या समझे, जाना है या रुकना है, ठोकेगा क्या।
ना वो पीछे करेगा ना ये आगे जा पाएगा। जय भारत। अरे पीछे कर ले ऑटो वाले, थोड़ा पीछे कर ले, हो जाएगा, निकल जाएगा वो, हमें पीछे जाना है। हाँ भैया फाइनली पहुंच गए यार। और कितना रह गया? 500 मीटर्स ना, 150 मीटर में है सागर बीच रिजॉर्ट। नहीं ये नहीं है, सामने बीच देखो यार, विजय वर्मा रिजॉर्ट। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ये है ना वर्मा बीच रिजॉर्ट, ये हो देखो मेरा चॉइस देगी, ये होता है चॉइस। अब कहाँ घुसाऊँ मैं सर पर इसका, हाँ कहाँ पार्क करूँगा? यहाँ पर पार्क करना थोड़ा सा ना रिस्की है, जिस तरह से रोड है। कोदर एंड जस्ट से वेयर कैन वी पार्क द बाइक। रिजर्वेशन इन द नेम ऑफ कुणाल, दिस इज द वर्मा बीच रिजॉर्ट। सामने रही बीच, आई थिंक वहाँ से व्यू आएगा मस्त। तो मैं आपको अंदर का भी टूर दिखाता हूँ भाई, कसम से हालत ख़राब हो गया। तो टाइम हो गया है 5:22। सो अगर रास्ते की बात करूँ, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। द लास्ट 40 किलोमीटर इज़ एक्सट्रीमली बैड। ओके सो देयर इज़ सम एडजस्टमेंट टू बी डन फॉर द पार्किंग। तो भाई आराम आराम से, आराम आराम से जाना है फाइनली। शुड आई टर्न इट लाइक दिस एंड पुट इट डायरेक्ट? चलो भैया रिजर्वेशन कंफर्म करें। आईडी प्रूफ अगोड़ा से किया था बुकिंग डॉट कॉम में, लेकिन मैं बुकिंग डॉट कॉम किया ही अगोड़ा में किया। कैसे आएगा बुकिंग डॉट कॉम में? साइट है उसमें आया तो नॉन एसी रूम है। कहाँ है बुकिंग डॉट कॉम लिखा हुआ इसमें? है हमारा साइट। तो कैसे हो गया? आप अगोड़ा से बुकिंग नहीं लेते हो? आप लेकिन आपका पोस्ट किया हुआ है अगोड़ा, अगोड़ा में हमको मन नहीं था, वो लोग करते हैं हमारा। अगोड़ा में हमको टाइम नहीं, हमको ओनली टाइम है तो बुकिंग डॉट कॉम। मैसेज का आप लोग तो रिप्लाई करें था थोड़ा सा। कंफर्म है आपका तो है, आपको आया नॉन एसी रूम, नॉन एसी रूम में तो रेडी है आपको नॉन एसी रूम। एक मिनट, हमको ए प्राइस में एसी नहीं है और रूम में एसी भी नहीं। रूम चेक कर लो सेकंड। ओके एसी रूम बुक था, वे कह रहे हैं कि नॉन एसी रूम बुक था। अगोड़ा से नहीं इंटरटेन करते हैं, बुकिंग डॉट कॉम से करते हैं। हमने अगोड़ा से बुक किया, इनको मैसेज भी दिया। ठीक है, भिड़ नहीं सकते ना, वी आर रेडी फायर। ज़्यादा कुछ पंगा नहीं कर सकते, देखते हैं रूम एंड लक्ष्य।